हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में चांदनी चौक का बहुत मशहूर चिकन बर्रा बनाने जा रहे हैं। देखेंगे तंदूर में कैसे बनाया जाता है। जो होममेड चिकन है, बहुत डिलीशियस रेसिपी है और बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बोल में सबसे पहले चिकन लेंगे। मैंने बड़े पीसेस लिए हैं चिकन के, क्योंकि ग्रिल करेंगे चिकन, इसलिए या तो आप बड़ा साइज चिकन लेके उसके 4 पीसेस कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से कटवा लीजिए बड़े बड़े पीसेस। उसे मैंने कट लगा लिए, ठीक है। कुछ ड्राई मसाले, सॉल्ट, रेड चिली, चाट मसाला, ज़ीरा और तिक्का मसाला, सबको ऐड करेंगे चिकन के अंदर। पपीते का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, योगर्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, ऑयल डालेंगे, मैंने ओलिव ऑयल यूज़ किया है, कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, विनेगर 1/2 टेबल स्पून। सबको मिक्स करेंगे। ओवरनाइट के लिए मैं इसको मैरिनेट करूँगी, कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के इसको मैरिनेट करिएगा और अच्छी तरह से इसका मसाज करिएगा ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, ठीक है। अच्छा, मैं पेस्ट बनाऊंगी तो मैंने हरा धनिया और मिर्च का पेस्ट बना के रखा है। इसके डिप बनाऊंगी अब मैं। योगर्ट लूंगी, क्रीम ली है, ये प्रिपेयर्ड पेस्ट किया था, ये ऐड करेंगे। हरी मिर्च, हरे धनिया का, ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इस डिप को एक तरफ साइड में रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसको मैं सीख में लगाऊंगी। बहुत मशहूर है चांदनी चौक की ये डिश, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत इजी है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। ये देखिए सारे चिकन पीसेस जो हैं लग गए हैं ग्रिल में सीख पर। अब मैं इसको ओवन की तरफ ले चलूँगी और उसमें सेट करूँगी। देखिए, ठीक है, रोटेशन वाला ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है तो ये रोटेट होगा और चारों तरफ से अच्छे से पकेगा। 20 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। देखिए हर तरफ से एक सा बिल्कुल पकेगा। 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सा बन के निकला है। ये देखिए बिल्कुल बहुत गर्म है, इसलिए हाथ बचा के, ऐसा ना हो कि हाथ जल जाए। सारे चिकन पीसेस को निकालेंगे बाहर। देखिए हमारा चिकन बर्रा तैयार है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, ये जो हमने डिप बनाया था, इस डिप को, ये चिकन को इस डिप के अंदर एक्चुअली डाल के सर्व किया जाता है। इसके अंदर डालेंगे और फिर ऊपर से खूब सारा बटर ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो इसको अलग से भी इस डिप को सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इस चिकन को इसके अंदर डिप करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। एक्चुअली रेस्टोरेंट में जो है वो इसके अंदर ही डालते हैं और फिर इसको सर्व करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का, ठीक है। थैंक यू सो मच।